Welcome back, my dear kids, with another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies, Class 1. आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है क्लॉथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सम एंड सब्सटेंस, इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे चलिए बताते हैं आपको. व्हाई डू वी नीड क्लॉथ्स, हमें कपड़े क्यों चाहिए. इन रेनी सीजन यूनिफॉर्म, टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स. इन समर कॉस्ट्यूम, और हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल क्लॉथ्स के बारे में. हम सबको खाना ज़रूरी चाहिए जीने के लिए, पानी भी चाहिए, और क्या चाहिए, कपड़े. कपड़े किस लिए चाहिए, अपने तन अपने शरीर को ढकने के लिए. तो बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी विल डू वन एक्टिविटी. टेक द पिक्चर ऑफ द चाइल्ड हु इज ड्रेस्ड करेक्टली एंड क्रॉस द वन हु इज नॉट. आपको यहाँ पे दो पिक्चर बनी हुई हैं, दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं. आपको क्या करना है, उस पिक्चर पर टिक करना है जिसमें बच्चा अच्छे से तैयार हुआ है. तो बच्चों, दिस एक्टिविटी यू विल डू बाय योरसेल्फ. व्हाई डू वी नीड क्लॉथ्स, हमें कपड़े क्यों चाहिए. ऑल ऑफ अस नीड क्लॉथ्स टू कवरिंग आवर बॉडीज, हमें अपना शरीर ढकने के लिए कपड़े चाहिए, सबको चाहिए. वी नीड क्लॉथ फॉर सर्वर सीजन, दे आर ऑल्सो मेक अस लुक स्मार्ट. अलग अलग मौसम में हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं, और कपड़े पहनकर हम कैसे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, अच्छे लगते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड डस्ट, कपड़े हमें आंधी तूफान बारिश सर्दी गर्मी से बचाते हैं. वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, साल के अलग अलग समय हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं. देयर आर थ्री मेजर सीजन, समर विंटर एंड रेनी, साल में तीन महत्वपूर्ण मौसम होते हैं, कौन कौन से, सर्दी गर्मी और बरसात. नाउ वन इंटरप्रिटेशन, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, हमें कॉटन किससे मिलती है, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलती है. इन समर, अब मैं आपको बताऊंगी गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए. इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई एंड जून, इट इज़ यूजुअली वेरी हॉट. मार्च से लेकर जून तक का जो मौसम होता है वो बहुत गर्मी वाला, बहुत गर्म होता है. वी वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर, दे कीप अस कूल, और गर्मियों के मौसम में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं जो हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं, हमें उन्हें पहनकर बहुत अच्छा लगता है. इन विंटर, सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं. इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी, इट इज़ यूजुअली कोल्ड. अक्टूबर से लेकर फरवरी तक के जो महीने होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं, कोल्ड होते हैं. वी वियर वूलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर, दे कीप अस वार्म, सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं जिससे हमारे शरीर को गर्माहट मिलती है. अब मैं आपको बताऊंगी रेनी सीजन में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं. वी डू नॉट वॉन्ट टू गेट वेट वेन इट इज़ रेन, हम में से कोई भी बारिश में ज़्यादा भीगना नहीं चाहता, गीला होना नहीं चाहता. सो वी वियर रेन कोट टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम रेन, तो बारिश से बचने के लिए हम क्या पहनते हैं, हम रेन कोट पहनते हैं. वी ऑल्सो यूज़ अम्ब्रेला टू कीप आर सेल्फ ड्राई, और अपने आप को सूखा रखने के लिए हम छाता इस्तेमाल करते हैं जिसे हम अम्ब्रेला कहते हैं. वी वियर गम बूट्स टू कीप आर फीट ड्राई, जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर आर द रेनी मंथ, और हम अपने पैरों को सूखा रखने के लिए ताकि वो गीले ना हो, हम क्या पहनते हैं, हम गम बूट्स पहनते हैं.
जुलाई से लेकर सितंबर तक के जो महीने होते हैं वो रेनी महीने होते हैं, रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम होता है। कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम क्या होते हैं? वी ऑल्सो वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू ओकेशन सच एज वेडिंग और अ बर्थडे पार्टी। द क्लॉथ्स डेट वी वियर फॉर अ डांस परफॉर्मेंस और अ प्ले आर कॉल्ड कॉस्ट्यूम। आपको कहीं बर्थडे पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, क्या आप अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे या घर के कपड़े पहन के जाएंगे? नहीं, तो वहाँ पर पहनने के लिए हम अलग कपड़े लेते हैं। और अगर आप स्कूल में कोई डांस प्ले में हैं या डांस में हैं, किसी प्ले में हैं या किसी भी फंक्शन में हैं, तो आप एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं जिसे हम कॉस्ट्यूम कहते हैं। सपोज़ आप किसी पंजाबी डांस में हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनेंगे, तो वो क्या है? आपका कॉस्ट्यूम है। अब मैं आपको बताऊंगी यूनिफॉर्म क्या होती है। वी वियर आर यूनिफॉर्म फॉर स्कूल। जब आप स्कूल जाते हैं एक ड्रेस पहन के जाते हैं, उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। और सभी बच्चों की यूनिफॉर्म एक जैसी होती है स्कूल में। सम पीपल वियर यूनिफॉर्म्स एट वर्क। कुछ लोग अपने काम की जगह भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। डॉक्टर्स एंड नर्स वियर यूनिफॉर्म्स इन अ हॉस्पिटल। डॉक्टर और नर्स हॉस्पिटल में अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं। और कौन पहनता है यूनिफॉर्म? सोल्जर्स, पायलट, पुलिसमैन, ये सब भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। उनकी यूनिफॉर्म से हम पहचान लेते हैं कि ये पुलिसमैन है, डॉक्टर है या सोल्जर है। नाउ वी विल लर्न अबाउट ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। ट्रेडिशनल क्लॉथ्स कौन से होते हैं? इंडिया इज अ बिग कंट्री। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ। इंडिया बहुत बड़ा, भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ का पहनावा अलग मिलेगा, पंजाब जाएंगे वहाँ का पहनावा अलग मिलेगा। ऐसे ही आप जिस जिस कंट्री में जाएंगे या जिस जिस स्टेट में जाएंगे, सबका पहनावा अलग मिलेगा। एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ इट ओन स्पेशल ड्रेस। दीज आर कॉल्ड ट्रेडिशनल क्लॉथ। तो हर एक कंट्री की अपनी अलग क्लॉथ्स होते हैं, तो उसे हम ट्रेडिशनल क्लॉथ्स कहते हैं। पीपल यूजुअली वियर ट्रेडिशनल क्लॉथ्स ऑन स्पेशल डेज लाइक फेस्टिवल। तो लोग ट्रेडिशनल क्लॉथ्स कब पहनते हैं? जब कोई त्यौहार होता है या कोई बहुत बड़ा ओकेशन होता है। नाउ वी विल लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ क्लॉथ्स। कपड़ों की देखभाल कैसे की जाती है? आर क्लॉथ्स लास्ट लॉन्गर इफ़ वी टेक गुड केयर ऑफ देम। अगर हम अपने कपड़ों की अच्छे से देखभाल करेंगे तो वो ज़्यादा चलेंगे। फोल्ड योर क्लॉथ्स प्रॉपरली बिफोर पुटिंग देम इन द कबर्ड। अपने कपड़ों को अलमारी में रखने से पहले अच्छे से उन्हें तय करना चाहिए। वी मस्ट कीप आर क्लॉथ्स क्लीन। हमें हमारे कपड़े साफ रखने चाहिए। क्लॉथ्स मस्ट बी रेगुलरली वॉश एंड आयरन। अपने कपड़ों को अच्छे से धोइए, प्रेस करिए। ये नहीं कि कोई कपड़ा आप एक एक दो दो महीने ना धोए, उनको टाइम टू टाइम धोना चाहिए। अगर कपड़े गंदे हो गए हैं तो उन्हें धोइए और प्रेस करवाइए। नाउ आई विल टेल यू इंटरप्रिटेशन। द क्लॉथ्स विच आर नॉट फॉर स्पेशल ओकेशन आर कॉल्ड कैजुअल क्लॉथ्स। वो कपड़े जो स्पेशल ओकेशन के लिए नहीं होते, उन्हें हम कैजुअल क्लॉथ्स कहते हैं। नाउ टाइम टू हैव लुक ओवर। वी नीड क्लॉथ्स टू कवर आर बॉडी। अपने शरीर को ढकने के लिए हमें कपड़े की आवश्यकता है। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। कपड़े हमें आंधी, तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी सबसे बचाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर वॉर्न ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। अलग अलग मौसम में अलग अलग कपड़े पहनते हैं हम। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर टू स्टे कूल। गर्मियों के मौसम में अपने शरीर को ठंडक देने के लिए हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर टू कीप अस वॉर्म। नाउ टाइम फॉर द एस्टिमेशन कॉर्नर। तो चलिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं
पहली एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज करिए। वी वियर डैश क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर, गर्मियों के मौसम में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? कॉटन, वूलन, रेनकोट या नन ऑफ दिस, गर्मियों में हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। वी वियर डैश क्लॉथ्स इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में सर्दियों के मौसम में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? सर्दियों के मौसम में हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े। विच ऑफ दीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, आपको बताना है बारिश से हमें कौन बचाता है, अम्ब्रेला, यूनिफॉर्म, कुर्ता या फ्रॉक? तो सही ऑप्शन है अम्ब्रेला। नंबर फोर, विच ऑफ दीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, ठंड से हमें कौन बचाता है, कुछ नाम है, चलिए देखते हैं। टी शर्ट, स्वेटर, फ्रॉक या नन ऑफ दीज, जब ठंड होती है तो हम सब स्वेटर पहनते हैं। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग हेल्प बॉक्स, यहाँ पे कुछ खाली स्थान भरने हैं और आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। डैश क्लॉथ्स कीप अस वार्म, कैसे कपड़े हमें गर्माहट देते हैं? तो सही ऑप्शन है वूलन क्लॉथ, हम लिखेंगे WOOLEN, वूलन क्लॉथ। नंबर टू, वी वियर डिफरेंट क्लॉथ इन डिफरेंट, हम अलग अलग तरह के कपड़े कब पहनते हैं? डिफरेंट सीजन्स में पहनते हैं, हम यहाँ लिखेंगे SEASON, सीजन। नंबर थ्री एंड फोर, यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट, जो वाक्य दिए हुए हैं वो सही है या गलत है। सही है तो आप ट्रू लिखें, गलत है तो फॉल्स लिखेंगे। नंबर वन, वूलन क्लॉथ्स कीप अस कूल, वूलन क्लॉथ्स हमें ठंडक पहुंचाते हैं, हमें ठंडा रखते हैं, ये बिल्कुल गलत है, वूलन क्लॉथ्स हमें वार्म रखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे FALSE, फॉल्स। नंबर टू, वी नीड क्लॉथ्स टू कवर आर बॉडी, अपने शरीर को ढकने के लिए हमें क्लॉथ्स चाहिए, कपड़े चाहिए, बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। नंबर थ्री, अम्ब्रेलास कीप्स अस सेफ फ्रॉम रेन, छाता हमें बारिश से बचाता है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, तो हम यहाँ लिखेंगे TRUE, ट्रू। नंबर फोर, क्लॉथ्स मस्ट बी रेगुलरली वॉश्ड एंड आयरन, सही समय पर या रोज अपने कपड़ों को धोना चाहिए और प्रेस करना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे TRUE, ट्रू। सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ, हमने अलग अलग तरह के कपड़ों के बारे में पढ़ा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।